कुत्तों के काटने की वजह से पैदा हो रहे हैं, जो हमले हो रहे हैं उसमें कई सारे लोग हर दिन जख्मी हो रहे हैं। हकीकत यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहता है कि कोई प्रोटेस्ट हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ हो, चाहे वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के खिलाफ हो, खास करके डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर के खिलाफ में कोई प्रोटेस्ट। मैं यहाँ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहना चाहता हूँ, साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर को भी कहना चाहता हूँ कि आप जमहूरियत का गला घोटने का काम कर रहे हैं। हम लोग 30 तारीख के दिन, अगर हम लोगों को इनके इकदाम पसंद नहीं आते हैं, जो सही तरीके से करना है वो नहीं करते हैं, तो यहाँ पर मेयर इलेक्शन होने वाला है, उस इलेक्शन के दौरान हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाई फाइन आर्ट डिजाइनर एक्सक्लूसिव फॉर सूट्स शेरवानीज, अ कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर मेंस किड्स फॉर रिसेप्शन मैरिज एंगेजमेंट एथनिक वेयर्स पार्टीज फेयरवेल एंड मच मोर। फर्स्ट ब्रांच एट तिमापुरी चौक गुलबर्गा, सेकंड ब्रांच एट सुपर मार्केट गुलबर्गा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज जो जनता परिवार की तरफ से सिटी कॉरपोरेशन के खिलाफ में प्रोटेस्ट किया गया है, वो प्रोटेस्ट में ऑर्गेनाइजेशंस, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस की जानिब से, और खुशी इस बात की है कि बहैसियत चेयरमैन हमारे साजिद कल्याणी साहब भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए, और जो हंगामा यहाँ पर हुआ, थोड़ा सा हंगामा यहाँ पर होने के बाद में पहले हेल्थ ऑफिसर को भेजा गया था, फिर जब हंगामा हुआ तो खुद डिप्टी कमिश्नर यहाँ पर आकर हमारा मेमोरेंडम लिए है जाधव साहब। और जो लोग नहीं जानते हैं, जाधव साहब इस कॉरपोरेशन की रीढ़ माने जाते हैं और उन्हीं को मेमोरेंडम दिया गया है, और ये उम्मीद हम कर रहे हैं कि 30 तारीख से पहले पहले जो इश्यूज़ कुत्तों के काटने की वजह से पैदा हो रहे हैं, जो हमले हो रहे हैं उसमें कई सारे लोग हर दिन जख्मी हो रहे हैं। जब आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हर दिन एक कुत्ते काटने का एक इंसिडेंट हो रहा है। जो हमें पता चला है कि तकरीबन 5-6 साल से स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुआ था, अब वो कह रहे हैं कि हम लोग इमिडिएटली उसको स्टार्ट करेंगे। पर आपके सामने मैं एक बात भी कहना चाहता हूँ कि स्टेरिलाइजेशन की वजह से कुत्ते काटने के इंसिडेंट्स कम नहीं होने वाले हैं। उसके लिए ज़रूरी ये बात, ज़रूरत इस बात की है कि उनको शहर से बाहर रखा जाए। जितने भी स्टेरिलाइज्ड डॉग है उनको वहीं का वहीं छोड़ने का ये कानून बताते हैं, उसके बजाय उनको एक शेल्टर में रखा जाए, उसके लिए एक अलग से फंड जनरेट किया जाए और उनको शेल्टर में रखा जाए। क्योंकि एक कानून बना हुआ है, एक ऐसा कानून है जिसके अंदर अगर कुत्ता हमला करता है इंसान पर तो इंसान उसके खिलाफ में कुछ नहीं कर पाता है। ये बड़ी अजीब सी कशमकश वाली बात है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन इसके अंदर सही से काम नहीं कर पा रहा है इस कानून की वजह से। मैं एक और बात आपके सामने कहना चाहता हूँ, हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, हमारे प्रोटेस्ट में आप लोग देख रहे होंगे कि ज़्यादा तादाद में लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि हम लोगों के पास वो स्ट्रेंथ नहीं है कि हम लोग प्रोटेस्ट को कामयाब नहीं कर पा रहे हैं। हकीकत ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहता है कि कोई प्रोटेस्ट हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ हो, चाहे वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के खिलाफ हो, खास करके डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर के खिलाफ में कोई प्रोटेस्ट में आवाज़ ना उठे। इसके लिए प्रोटेस्टों के ताल्लुक से पुलिस को खास करके हिदायत दी गई है कि कोई भी प्रोटेस्ट को सक्सेसफुल ना करने के लिए आप जो इकदाम उठा सकते हैं वो इकदाम उठाएं। अगर प्रोटेस्ट के लिए परमिशन भी दे रहे हैं तो उनको पब्लिक तक मैसेज पहुंचाने का काम ना होने दें। इसीलिए ये हो रहा है कि जब हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो लोग ज़्यादा तादाद में नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मैसेज नहीं पहुँच पा रहा है। मैं यहाँ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहना चाहता हूँ, साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर को भी कहना चाहता हूँ कि आप जमहूरियत का गला घोटने का काम कर रहे हैं। आप हम प्रोटेस्ट करने वालों को खुलकर प्रोटेस्ट करने दें। अगर हम आपके खिलाफ में आवाज़ उठाते हैं तो आपको अपोजिशन की हैसियत से हम आवाज़ उठाने का काम करते हैं। आज आप लोग कर्नाटक में हुकूमत में हैं, सेंटर में हुकूमत में नहीं है, तो आप लोग अपोजिशन के ताल्लुक से कहते हैं कि जो है अपोजिशन को मजबूत होना चाहिए। अपोजिशन जो है जब मजबूत होती है तो हुकूमत भी सही तरीके से काम करती है। तो यहाँ पर क्या हो गया है, डिस्ट्रिक्ट में, आपके खुद के डिस्ट्रिक्ट में आप अपोजिशन को मजबूत होने नहीं देना चाहते हैं, आप प्रोटेस्ट होने नहीं देना चाहते हैं। ये सरासर जमहूरियत के खिलाफ काम कर रहे हैं, हमारे इस मुल्क के आइन के खिलाफ आप काम कर रहे हैं। हम लोग 30 तारीख के दिन, अगर हम लोगों को इनके इकदाम पसंद नहीं आते हैं, जो सही तरीके से करना है वो नहीं करते हैं, तो यहाँ पर मेयर इलेक्शन होने वाला है, उस इलेक्शन के दौरान हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। और इसके अलावा आने वाले दिनों में दीगर प्रोटेस्ट भी करना है, पानी के ताल्लुक से भी हम लोगों ने मेमोरेंडम दे रखा है, उसके ताल्लुक से भी हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे।
मैं तमाम तर शहरियान से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग मालूमात हासिल कर लें और हमारे प्रोटेस्ट में शामिल रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय फाइन आर्ट डिजाइनर एक्सक्लूसिव फॉर सूट्स शेरवानीज अ कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर मेंस किड्स फॉर रिसेप्शन मैरिज एंगेजमेंट एथनिक वेयर्स पार्टीज फेयरवेल एंड मच मोर। फर्स्ट ब्रांच एट तिमापुरी चौक गुलबर्गा, सेकंड ब्रांच एट सुपर मार्केट गुलबर्गा।